तो जैसा कि आप इंट्रो में देख ही चुके हैं, ये है Mi 11X Phone और इसके अंदर आज हम एक कस्टम रोम यूज कर रहे हैं जिसका नाम है Ghost OS। कुछ इस तरह का आपको अबाउट फोन का पेज यहाँ पे देखने को मिलता है, जहाँ पे आप अपने डिवाइस की सारी इन्फॉर्मेशन को यहाँ पे चेक कर सकते हैं। एंड्रॉइड 14 वर्जन के ऊपर ये बेस्ड है और लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच के साथ आपको यहाँ पे ये देखने को मिला है। रोम के अंदर काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आप जो है इस रोम के थ्रू यहाँ पे यूज कर सकते हैं और फुल्ली जो है अपने फोन को कस्टमाइज कर सकते हैं। क्योंकि सेटिंग्स पैनल का लुक जो है आप कुछ इस तरीके यहाँ पे आप देख पाते हो, काफी सारे टॉगल्स की लिस्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है जिनको आप यहाँ पे इजीली जाके एक्सेस कर सकते हैं। तो टॉगल्स में जो है काफी बड़ी लिस्ट जो है आपको यहाँ पे प्रोवाइड की है, जो कि अच्छी बात है कि काफी सारी जो है आपको हैंडी फीचर्स जो है यहाँ पे टॉगल्स में ही यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। यहीं पे पावर का बटन आपको देखने को मिलता है, जहां से आपको रीस्टार्ट के अंदर जो है काफी सारे मेनूज के भी ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं और कुछ इस तरीके का एनिमेशन इफेक्ट आपको इनके टॉगल्स पे आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। इवन जो है आप इनको कस्टमाइज भी कर सकते हैं, वॉलपेपर एंड स्टाइलिंग ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं। बट लॉन्चर आपको इसके अंदर Ghost लॉन्चर यहाँ पे देखने को मिलता है, जहां से आप आइकन्स को कस्टमाइज कर पाते हैं। होम स्क्रीन के अंदर काफी सारे चेंजेस यहाँ पे कर सकते हैं, वो सारे फीचर्स मिलते हैं। जेस्चर्स को आप यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, ऐप ड्रॉअर में चेंजेस करना चाहें वो कर सकते हैं। इसके अंदर ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट, आइकन साइज, इनको रिसाइज करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। रीसेंट टैब्स आपको किस तरीके चाहिए, क्या क्या फीचर्स चाहिए वो आपको मिल जाते हैं। जैसे क्या देख पाएंगे, रीसेंट टैब्स में आपको काफी सारे फीचर मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको मल्टी टास्क का ऑप्शन मिल जाता है, जहां से आप मल्टी विंडोज को यहाँ पे यूज कर पाते हैं। काफी स्मूथ तरीके से जो है ये एनिमेशन जो है आपको यहाँ पे वर्किंग आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। तो काफी सारे जो है आपको लॉन्चर के अंदर भी यहाँ पे चीजें देखने को मिलती हैं। गूगल प्ले स्टोर का सपोर्ट आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जो कि आपको डिवाइस जो है यहाँ पे सर्टिफाइड शो करता है। ये देखिए मैं शो करता हूँ, ये डिवाइस जो है यहाँ पे सर्टिफाइड शो करता है। सेफ्टी नेट आपको पास मिलता है। लॉन्चर के अंदर जो है काफी सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की है, आप मिस लेने इसमें जाए तो और भी चीजों को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं। आइकन्स में आप आइकन पैक, मॉनिटर थीम इंजन या थीम आइकन्स वगैरह को यहाँ पे यूज कर सकते हैं। ये काफी चीजें यहाँ पे दी गई हैं। उसी तरीके से वॉलपेपर एंड स्टाइल में आपको लॉक स्क्रीन के ऑप्शन मिल जाते हैं। लॉक स्क्रीन में जो है काफी सारे जो है क्लॉक्स वगैरह को जो आप यहाँ पे चेंज करना चाहें वो कर सकते हैं। आप इनके साइज को चेंज करना चाहें तो वो आप चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीजें जो है आपको इसके लॉक स्क्रीन के अंदर भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं, जिनको आप यहाँ पे इजीली एक्सेस कर सकते हैं। तो एंड्रॉइड 14 के सभी फीचर मिल जाते हैं, बट कस्टमाइजेशन के भी काफी सारे जो है एक्स्ट्रा फीचर्स यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। कैमरा जो है आपको यहाँ पे Xiaomi का नया कैमरा यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है, जिसके अंदर ऑलमोस्ट जो है सभी चीजें जो है परफेक्ट तरीके से काम कर रही हैं और सारी चीजें जो है आपको यहाँ पे वर्किंग यहाँ पे देखने मिल जाती है, चाहे पोर्ट्रेट मोड हो, चाहे नाइट मोड हो, चाहे आपका वीडियो मोड हो, सारी की सारी चीजें आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। ये देखिए हम चलते हैं वीडियो मोड के ऊपर। तो ये देखिए वीडियो मोड पे दिखा देता हूँ आपको कौन कौन से मोड पे आप शूट कर पाते हैं। तो आप देख पा रहे हो काफी बड़ी लिस्ट आपको मिल जाती है। आप इसके अंदर 720p से जो है आप 30fps, उसके बाद जो है 1080p पे 24fps, आपको 60fps, 4K में जो है आप 24, 30fps और 60fps पे भी आप इसके अंदर यहाँ पे रिकॉर्डिंग को यहाँ पे कर सकते हैं। ये देखिए इस टाइम पे 4K 60fps पे यहाँ पे हम रिकॉर्डिंग को यूज कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिल जाती है। कुछ लिमिटेड एप्लीकेशन मिलती है, कुछ ज्यादा ब्लॉटवेयर जो है आपको यहाँ पे डेवलपर्स ने प्रोवाइड नहीं किया है। रिसेंट टैब्स जो है मुझे काफी अच्छा लगा है, काफी सारी चीजें मिल जाती है। यहाँ से स्क्रीनशॉट वगैरह कैप्चर करना चाहे वो सारी चीजें आपको यहाँ पे इसके अंदर कैप्चर करने को मिल जाती है। ये चीजें काफी आपको इसके अंदर देखने को मिली है। इवन जो है आपको डायलॉग जो है इसके अंदर गूगल का ही देखने को मिलता है। अगर सेटिंग्स में जाएं तो सेटिंग्स में भी आपको काफी सारी चीजें जो है यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। काफी जो है अच्छा रूम है ये, काफी स्मूथली तरीके से काम कर रहा है Mi 11X फोन के ऊपर। आप इसको किसी कस्टम रिकवरी के थ्रू फ्लैश करके फॉर्मेट डाटा करके रिबूट कर सकते हैं। आप देख पाएंगे इसके जो सेटिंग्स पेज है यहीं पे आपको बैटरी और स्टोरेज के जो ऑप्शन यहाँ मिल जाते हैं। आपको बैटरी के यहाँ पे नोटिफिकेशन और स्टोरेज के ऑप्शन मिल जाते हैं। Ghost सेटिंग्स में भी काफी सारे फीचर्स हैं, जैसे क्विक सेटिंग्स में आप क्या यूज करना चाहते हैं वो सारी चीजों को चेक कर लीजिए। स्टेटस बार में आपको क्या चाहिए, बटन्स के लेआउट को आप चेंज करना चाहते हैं वो आप कर सकते हैं। आपको लॉक स्क्रीन के अंदर ऑप्शन मिल जाते हैं कि लॉक स्क्रीन को किस तरीके से यूज करना है, बैटरी इनपुट वगैरह वो आप चेक कर सकते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी सारी जो चीजें मिलती हैं। साउंड के अंदर जो आपको काफी सारे ऑप्शन मिल जाते हैं यहाँ पे, ये सारी चीजें इसके अंदर यहाँ पे दी गई हैं। यूजर इंटरफेस में आप इसके UI स्टाइल को चेंज करना चाहें वो मिल जाते हैं। ये जो है आप इसके जो है UX स्टाइल वगैरह उनको भी यहाँ पे आप चेंज कर सकते हैं। जैसे UI एक्स्ट्रा में भी आपको यहाँ पे काफी सारे फीचर्स मिल जाते हैं। यूजर इंटरफेस में आपको इसके अंदर और भी काफी सारी चीजें मिल जाती हैं, किस तरीके का आपको एनिमेशन चाहिए ये सारी चीजें आपको यहाँ मिल जाती हैं। जैसे फॉन्ट स्टाइल, आइकन पैक, आइकन स्टाइल, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो कस्टमाइजेशन जो है काफी आपको देखने मिला है। इवन इनके हर सेटिंग्स पहले में आपको एक एनिमेशन इफेक्ट आपको देखने मिलेगी। देखिए ऐप में कुछ इस तरीके का एनिमेशन इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। उसी तरीके से आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन में आप जाएं तो नोटिफिकेशन में कुछ इस तरीके का यहाँ पे। सबसे अच्छी चीज जो है साउंड के अंदर भी आपको इसके अंदर काफी सारी चीजें जो है यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं। आप इंक्रीज रिंग वॉल्यूम भी इसके अंदर यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये चीजें आपको दी गई हैं। मीडिया के अंदर आपको ये सारे के सारे ऑप्शन यहाँ पे आपको मिल जाते हैं। क्लियर स्पीकर भी इवन डेवलपर ने यहाँ पे प्रोवाइड किया है। डबल टैप टू वेकअप वगैरह जो है सारी की सारी चीजें यहाँ पे वर्किंग है। डिस्प्ले के अंदर जाएं तो ये ऑप्शन मिल जाते हैं, जैसे एक्स्ट्रा डिम, डार्क थीम,
आप डीपीआई को चेंज कर सकते हैं, लाइव डिस्प्ले कलर्स और मिनिमम या मैक्सिमम रिफ्रेश रेट को यहाँ से आप सेट कर सकते हैं, या फिर आप जो है इसके अंदर आपको टीसी डिमिंग या पर ऐप रिफ्रेश रेट को भी आप यहाँ पे एक्सेस कर पाते हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स आपको इस रोम के थ्रू यहाँ पे मिल जाते हैं और एंड्रॉइड 14 के सभी फीचर्स आपको इस रोम में यहाँ प्रोवाइड किए गए। अगर एंड्रॉइड 14 के आप सभी फीचर्स के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर मैंने एक वीडियो बना रखा है, उस वीडियो को चेकआउट कर लीजिएगा, जिससे आपको आइडिया हो जाएगा क्या क्या चीजें मिल जाती हैं। सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी में आपको जो पूरा एंड्रॉइड 14 का ही लुक देखने को मिला है, जहां से आप फिंगरप्रिंट, फेस अनलॉक वगैरह इन सबको यहाँ पे आप सेटअप कर पाते हैं। सिस्टम में भी जाएं तो आप इसके लैंग्वेजेस, कीबोर्ड स्टाइल, सिस्टम प्रोफाइल के जेस्चर्स में आप इसके नेविगेशन बटन 100 मोड को यहाँ पे इनेबल कर सकते हैं, जिसमें कुछ इस तरीके से आप 100 मोड को भी यहाँ पे अपने फोन के अंदर अब आप यूज कर पाते हैं। तो ये सारे जेस्चर्स के फीचर भी आपको यहाँ पे प्रोवाइड किए गए हैं। सेफ्टी नेट आपको पास मिलता है, काफी सारे कस्टमाइजेशन के फीचर मिलते हैं, कैमरा वर्किंग है, इवन जो है जी कैम का भी सपोर्ट यहाँ पे आपको देखने को मिला है। रीसेंट ड्रॉ के अंदर जो है आपको सारे के सारे जो है आपकी रैम इन्फो वगैरह की इन्फोज यहाँ पे आपको सारी की सारी चीजें यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। तो इस रोम का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा, जहां से इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं और अपने Mi 11X फोन के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं। उसी तरीके से जैसे कि आपने देखा कि वॉल्यूम पैनल को भी आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, अगर आपको लगता है कि वॉल्यूम पैनल लुक आपको ये पसंद नहीं है तो वो भी इसके अंदर आपको जो है इसके ऑप्शन में यहाँ पे आपको जाके इनके जो सेटिंग्स हैं गो सेटिंग्स में उसमें जाइए, साउंड पैनल में आप जाएंगे तो आपको यहाँ पे वॉल्यूम पैनल्स मिल जाते हैं कि आपको किस तरह का वॉल्यूम पैनल चाहिए। अगर आपको रियलमी का चाहिए तो आप रियलमी का भी इसके अंदर यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो देख पा रहे हैं कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे वॉल्यूम पैनल मिल जाते हैं। ओवरऑल देखा जाए तो कस्टमाइजेशन के मामले में काफी सारी चीजें जो है आपको इसके अंदर यहाँ प्रोवाइड की जाती हैं। एनिमेशन जो है काफी स्मूथ है और काफी परफेक्ट तरीके से काम करते हुए आपको यहाँ पे मिल जाते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये एंड्रॉइड 14 के ऊपर बेस्ड है और लेटेस्ट जो है इसके अंदर सिक्योरिटी पैच वगैरह सारी चीजें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई हैं और लिंक मैं आपको इसका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जहां से आप इसको डाउनलोड करते हैं। अबाउट फोन का सेक्शन जो है आपको कुछ इस तरीके यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये रोम जो है इस टाइम पे Mi 11S और कुछ स्पेसिफिक डिवाइसेस के लिए अवेलेबल है, बट जल्द ही जो है आपको और भी काफी सारे फोन्स के लिए देखने को मिल सकता है। तो बस आज का ये वीडियो इसी के ऊपर था कि फाइनली जो है गोस्ट OS एंड्रॉइड 14 रोम जो है वो Xiaomi के Mi 11S फोन के लिए जो है इस टाइम पे अवेलेबल हो चुका है, जिसको आप अपने Xiaomi के Mi 11S फोन में किसी कस्टम रिकवरी के थ्रू फ्लैश करके अपने फोन के अंदर यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।